कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक्चुअली में रिलेशनशिप भारत चाइना पाकिस्तान की कैसी रहने वाली है जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, रिपब्लिकन पार्टी के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन। दोस्तों ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति इन देशों के साथ अच्छा रहेगा या फिर इन देशों के साथ अच्छा नहीं रहेगा, खासकर भारत, पाकिस्तान और चाइना। देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है पूरी दुनिया को। अगर यहाँ का राष्ट्रपति किस प्रकार से अगर भारत विरोधी है, अगर भारत के समर्थन में है, तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है उस देश पर। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार इन पार्टियों के नेता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन जो वर्तमान के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और इसका नतीजा भी आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन जो उम्मीदवार हैं। कलर है ब्लू और इनका चुनावी चिन्ह है गधा। ठीक है दोस्तों, जो बाइडेन एक तरह से कहा जाए तो वो प्रो पाकिस्तानी, पाकिस्तान के भी समर्थन में रहते हैं और चाइना के भी समर्थन में रहते हैं। क्या वो भारत के समर्थन में नहीं रहेंगे? ऐसा मैंने नहीं कहा और ना ही ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों जो बाइडेन एक अच्छे नेता हैं। वह बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब वे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार लग रहा था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंधों में नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत के जो लोग अमेरिका में निवास करते हैं वो ज़्यादातर अपने वोट डेमोक्रेट यानी कि डेमोक्रेट पार्टी को उन्होंने वोट दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वोटर कन्वर्ट हुए हैं रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत के जहां वोटर कन्वर्ट होते हैं जिस पार्टी में वहीं जीतता है। देखिए इससे पहले डेमोक्रेट पार्टियों को उन्होंने वोट दिया क्योंकि लग रहा था उन्हें कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे राष्ट्रपति नहीं है, भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा उनके जीतने पर, वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे कि इसमें भारत का नुकसान हो, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जीते। लेकिन जीतने के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और चाइना को बैकफुट पर लाकर रख दिया और भारत के साथ एक अलग तरह के संबंध बनाए। ऐसा यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही भारत के साथ संबंध बिल्कुल अच्छी तरह से बने हैं। बराक ओबामा के समय यानी कि वो डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार थे और दो बार राष्ट्रपति भी रहे हैं, बराक ओबामा से रिश्ते भारत के साथ मजबूत होते रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से और अच्छे अमेरिका के ताल्लुकात और भी अच्छे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में चाइना और पाकिस्तान के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा उतार देखा गया है। देखिए चाइना से ट्रेड वार चल रहा है, ठीक, इसमें चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रेड वार चाइना से ही नहीं भारत के साथ भी चल रहा है। एक तरह से देखिए तो इस स्थिति में चाइना और भारत एक ही दिशा में हैं जो बिल्कुल अमेरिका के विपक्ष में रखती है, लेकिन कई मुद्दों पर भारत का सहयोग भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अगर देखें तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में से कोई भी उम्मीदवार जीतता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो रिपब्लिकन से और डेमोक्रेट से जो बाइडेन, उनका जो एक सोच है वो भारत के लिए एक पॉजिटिव सोच रहेगी। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेट के जीतने से चाइना और पाकिस्तान का जो नज़रिया था डोनाल्ड ट्रंप का वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी एक तरह से देखें तो चाइना के लिए भी अच्छी सोच रखती है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी सोच रखती है। भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा क्योंकि भारत के लिए एक, अगर कहें तो दोनों देशों के साथ सीमा विवाद है और काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों के बीच विवाद पड़ता रहता है, खासकर चाइना और पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेट के आने से इन देशों को कुछ लाभ होता है तो भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय बनेगा। दोस्तों आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर प्लीज़, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि कौन सी पार्टी कितना महत्व भारत को देती है और कौन सी पार्टियां हैं जो अमेरिका की वो चाइना और पाकिस्तान को समर्थन करती हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।